हेलो एवरीवन, ऑडिबल ओके। तो इफ एट ऑल यू गाइस रिमेम्बर, कल का लेक्चर में मैंने टुवर्ड्स द एंड आई हैड स्टार्टेड विथ क्या बोलते हैं उसको, इवन एंड ऑड फंक्शंस, राइट? ठीक है, विल कंटिन्यू विद द सेम। कल हम लोग ने इवन ऑड फंक्शंस तो देख लिया था, आज थोड़ा एक प्रॉब्लम हम लोग इवन फंक्शंस का देख लेंगे। ओके, वन एक्स्ट्रा प्रॉब्लम ऑन इवन फंक्शंस। फाइन, ओके। सो दिस इज एन एक्स्ट्रा प्रॉब्लम। ओके, ये एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है। ठीक है, कैन आई कंपेयर दिस विथ माइनस ए टू ए? I'll compare this with minus a to a, okay? अभी सबसे पहले माइनस ए टू ए रहेगा तो मैं इवन ऑड चेक करके देखता हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। सो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स के जगह पे माइनस एक्स। ठीक है, सो दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो ये चीज क्या है, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? This is nothing but f of x. तो अगर f of minus x is equal to f of x, so what can we conclude? It is an even function. कल का लेक्चर याद करो। ठीक है, कॉपी करो।
ठीक है, सो एफ ऑफ एक्स इज इवन, एफ ऑफ एक्स इज इवन, ओके। जब भी ऑड रहता है तो आई का आंसर क्या रहता है, इंटीग्रेशन का आंसर क्या रहता है, जब भी ऑड रहेगा तो जीरो रहता है। कल सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स हम लोग ने कर लिया था, ओके। लेकिन जब भी इवन आता है तो थोड़ा सा चेंज होता है, लिखने का आई यहाँ पे टू कंपलसरी आएगा, ये जो टू है ना ये कंपलसरी आएगा इवन फंक्शन के लिए, नीचे जीरो कंपलसरी आएगा, नीचे जीरो कंपलसरी आएगा, और ऊपर अपर लिमिट जो प्रॉब्लम का है ना वो सेम रहेगा। अपर लिमिट क्या है प्रॉब्लम का, टू टू टू, ओके ओके, और अंदर तो सेम रहेगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। दो चेंजेस है, लोअर लिमिट गेट्स जीरो और यहाँ पे बार टू आता है, ये दोनों येलो से जो मार्क किए हैं कंपलसरी थिंग्स है। दिस आर द कंपलसरी थिंग्स विच वी आर सपोज टू डू व्हेन द फंक्शन इज इवन, व्हेन द फंक्शन इज इवन। समझा आप लोग को ये? ओके, डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज सेम एज डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, मेक न्यूमरेटर सेम एज डिनोमिनेटर, मेक न्यूमरेटर सेम एज डिनोमिनेटर। आगे क्या लिखूं बोलो, ऊपर ऊपर आगे क्या लिखूं मैं, ये तो सेम बना दिया मैंने इसको, ये दोनों को तो सेम बना दिया। प्लस वन, अभी क्या करूं, स्प्लिट, नाउ वी आर गोइंग टू स्प्लिट, ओके। बराबर है क्या? बराबर है, दिस इज वन, इंटीग्रेशन ऑफ वन इज एक्स, इनसाइड एक्स इनसाइड ए। समझा आप लोग को? अंडरस्टूड दिस? इतना समझा क्या? सो टू बॉक्स माइनस बॉक्स, टू माइनस जीरो बराबर है, प्लस वन अपॉन टू ए
लॉग मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। अच्छे से कॉपी करो। चलो क्या ये हाफ को मैं बाहर लेके जा सकता हूँ, ये बॉक्स ब्रैकेट के ये बाहर लेके जा सकता हूँ? यस तो कर लेते हो। यहाँ पे क्या करने का अभी? एनीवन व्हाट टू डू ओवर हियर? बोलो थोड़ा रिस्पांस दो, व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू ओवर हियर? बॉक्स माइनस बॉक्स। बॉक्स माइनस बॉक्स ठीक है। सो टू ओके, मैंने ये ब्रैकेट क्यों डाला, ये ब्रैकेट क्यों डाला? कोई बताएगा? हाफ है क्या? सॉरी ओके तो बोलो क्योंकि हाफ कॉमन है ना दोनों को, हाफ दोनों के लिए है ना, हाफ दोनों के लिए, इसके लिए एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट प्लेस किया मैंने। चलो बोलो अभी एक्स के जगह पे क्या आएगा पहले ब्रैकेट में, पहले ब्रैकेट में एक्स के जगह पे क्या आएगा? टू। सो टू माइनस वन अपॉन टू प्लस वन। सेकंड ब्रैकेट में एक्स के जगह पे क्या आएगा? जीरो माइनस वन अपॉन जीरो प्लस वन। वॉट इज मॉडुलस ऑफ वन बाय थ्री? वॉट इज द मॉडुलस ऑफ वन बाय थ्री? वन बाय थ्री। And what is the modulus of minus 1 upon plus 1? Minus 1 upon plus 1 तो minus 1 होता है, तो modulus of minus 1 कितना होता है? 1. Have you understood this everyone? लॉग वन कितना है? व्हाट इज लॉग वन? जीरो।
लॉग वन इज जीरो। चलो कंप्लीट दिस मच। ओके सो टू, इतना क्लियर है? चलेगा ना, क्योंकि लॉग वन तो जीरो हो गया। अभी टू को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, टू इंटू टू प्लस, फाइनल आंसर इज फोर प्लस लॉग थ्री, फोर प्लस लॉग वन अपॉन थ्री। चाहे तो ब्रैकेट डाल दो उसको इफ यू वांट, नहीं डाला तो वही चलेगा। फाइनल आंसर इज फोर प्लस लॉग वन अपॉन थ्री। ठीक है, गाइस यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम? समझ में आया तुम लोगों को ये प्रॉब्लम? थोड़ा फीडबैक दो प्लीज, प्रॉब्लम डिफिकल्ट है थोड़ा, बट हैव यू अंडरस्टूड? प्रॉब्लम वॉज डेफिनेटली वेरी डिफिकल्ट, लेकिन समझा क्या? ठीक है, लेट अस गो बैक टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन चैप्टर में जाओ। अभी इंटीग्रेशन और डेफिनेट साथ साथ में चलेगा, जो भी पेंडिंग है वो। या गो टू एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 गाइस, कैन वी कंपेयर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 विथ 1 अपॉन एक्स? बोलो जल्दी बोलो सब लोग। करेक्ट अर्चिका, करेक्ट तेजस्वी। एक्स के जगह पे कौन है? एक्स स्क्वायर माइनस वन। इज एक्स स्क्वायर माइनस वन लीनियर अलजेब्रिक? नो, तो वन अपॉन एक्स के साथ कंपैरिजन नहीं होगा। एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1। ओके, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 पेंडिंग है उसका। ओके, हिंट, आई एम गिविंग द हिंट। What is the degree of the numerator? X का डिग्री क्या है? X तो है ही नहीं, तो X का डिग्री क्या है ऊपर? जीरो, करेक्ट। डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर टू, डिग्री इज लेस। कैन आई अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शंस? यस। ठीक है, पी एफ टाइप वन, ए अपॉन एक्स, बी अपॉन एक्स माइनस वन, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू। ठीक है, और नीचे लिखो पी एफ टाइप वन। यू कैन सॉल्व दिस एट होम एज अ प्रैक्टिस प्रॉब्लम। आई होप यू अंडरस्टूड दिस।
किसी किसी को लोगों को इतना दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने इतना क्लियरली लिखा है, आदत सा हो गया है कुछ भी पूछने का। हो गया गाइस, इज दिस प्रॉब्लम क्लियर फॉर यू? क्या ये आप लोग खुद से मैनेज कर सकते हो? बाप रे, वन मोर क्वेश्चन आई एम गेटिंग, ये पीएफ क्या है? व्हाट इज पीएफ गाइस? प्रोविडेंट फंड। पीएफ क्या है बोलो? पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। एक्सरसाइज 5.2 क्या पेंडिंग है उसमें? व्हाट इज स्टिल लेफ्ट? क्वेश्चन नंबर 10 पहले चालू करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 10। इंटीग्रेशन 1/x x^6+1 dx। प्रॉब्लम इज अ बिट डिफिकल्ट, डिफिकल्ट प्रॉब्लम है ये। आर यू रेडी फॉर इट? ओके, x^6 का डेरिवेटिव क्या है? x^6 का डेरिवेटिव क्या है? (6x^5). सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 6x^5। इतना क्लियर है? चैलेंजिंग प्रॉब्लम। इतना समझा है तो आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ू? ओके, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो। x^5 × x कितना होता है? 6x, राइट? ठीक है, मार्क दिस इज इक्वेशन नंबर। रोमन नंबर यूज करो, चाहिए तो छोटा वाला यूज करते हैं हम लोग। इक्वेशन नंबर 1, पुट x^6 इज इक्वल टू टी, dy/dx(x^6) dy/dx(t). ऐसा 2-3 प्रॉब्लम हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। 6x^5 dty/dx, x^5 dx इज इक्वल टू, सॉरी, 6x^5 dx इज इक्वल टू dt। ये होने के बाद में सी, आफ्टर दिस स्टेप, आफ्टर द डेरिवेटिव स्टेप, आई एम टेकिंग अ लुक एट इक्वेशन नंबर 1।
रोमन नंबर। ओके ओके तो क्या मैं ये सबको एक साथ रख सकता हूँ, कैन आई कीप दिस टुगेदर? ओके सो 6x raised to 5 dx इक्वल टू dt। ठीक है फ्रॉम वन इंटीग्रेशन, क्या इसको मैं डी टी लिखूँ या फिर साइड पे ये वाला वाट को डी टी लिखूँ क्या? यस सो यहाँ पे वन आएगा 6 टी प्लस वन, समझा क्या? t t+1 चलो इतना क्लियर है क्या प्रॉब्लम? वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस टू मोर प्रॉब्लम्स लाइक दिस, दो और प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट। आगे बढ़ो, आई देखो जल्दी कॉपी करो। हो गया तो बोल देना। ओके 1/6 चलेगा, अभी इक्वेशन नंबर वन वो रोमन नंबर वन था पहले, अभी ये वन है 1/t t+1। इज दिस पीएफ टाइप वन? इज दिस पीएफ टाइप वन? ये सॉल्व करने का 3-4 मेथड्स है, ये सॉल्व करने का देर आर 3-4 मेथड्स, लेकिन मैं आपको पीएफ टाइप वन इसके लिए सॉल्व करने को बोल रहा हूँ क्योंकि वो अभी आपके दिमाग में फिट बैठा है। एम आई करेक्ट गाइस? मैं आपको पीएफ टाइप वन के लिए क्यों एनकरेज कर रहा हूँ, बिकॉज वी हैव टेकन क्वाइट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स ऑन दिस। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द अदर मेथड्स, जो अपने को आता है वो चुपचाप अप्लाई करेंगे। इज इट ओके? अरे वो स्मॉल ये था, मैंने रोमन लेटर लिखा था, ये देखो अभी मैं एक्चुअल नंबर लिख रहा हूँ 1 2। ओके टेक एलसीएम,
कैंसलेशन ऑफ बोथ द टर्म्स. इक्वेशन नंबर थ्री. समझा तुम लोग को ये? अभी तो इजी है ना. देखने का किधर? वेयर वी नीड टू सी. टू में. और सब्स्टिट्यूट कहां पे करने का? थ्री में. ठीक है, चलो एक टू इक्वेशन टू को देखते हैं. ए के नीचे देखो, इसको इक्वेट करो जीरो के साथ, तो टी का वैल्यू तो जीरो आएगा. सो पुट टी इक्वल टू जीरो इन थ्री. पुट टी इक्वल टू जीरो इन थ्री करो. Put t equal to 0 in 3. ठीक है, तो a का वैल्यू आएगा ना, आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट a वैल्यू. कितना आएगा a का वैल्यू? वन. देन सॉल्व करके आ रहा है, यू शुड सॉल्व दिस क्लियरली. देन इक्वेशन नंबर टू में देखो, इसको किसके साथ इक्वेट करोगे? जीरो के साथ. टी का वैल्यू कितना आया? टी का वैल्यू कितना आया? माइनस वन. टी प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो टी इक्वल टू माइनस वन. पुट टी इक्वल टू माइनस वन वेयर? कहां पर? इक्वेशन थ्री. पुट टी इक्वल टू माइनस वन इन थ्री. बी का वैल्यू कितना आता है? माइनस वन. बी इज इक्वल टू माइनस वन. ओके, फ्रॉम वन, सॉरी फ्रॉम टू बराबर है क्या? बराबर है ये? हेलो, इज दिस करेक्ट? ओके, फ्रॉम वन. ओके, सो वन अपॉन सिक्स टी टी प्लस वन डी टी इंटीग्रेशन वन अपॉन टी टी प्लस वन डी टी. समझा? देखो इक्वेशन नंबर वन दिखाता हूँ मैं आपको, है कि नहीं? वन अपॉन सिक्स भी है ना बाहर. ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन आएगा. सॉरी, ओके, ये क्या बनेगा? व्हाट अबाउट दिस? लेफ्ट हैंड साइड को क्या लिखूं मैं? आई
लेफ्ट हैंड साइड इज आई, करेक्ट। ए वन सेकेंड, या फिर वन अपॉन सिक्स भी आएगा, वन अपॉन सिक्स दोनों साइड पे आएगा ना। वन अपॉन सिक्स को भूलना नहीं है, डोंट डोंट फॉरगेट वन अपॉन सिक्स। नाउ इंडिविजुअल इंटीग्रेशन, देयरफॉर आई वन अपॉन सिक्स पुट अ ब्रैकेट वन अपॉन टी डी टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन डी टी। वो माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया, मैंने ये प्लस और ये माइनस को बीच में माइनस लिख दिया, चलेगा? चलेगा क्या? वन अपॉन सिक्स बराबर है, लास्ट स्टेप री सब्स्टिट्यूट टी वाई टी किसे, ये सर्ची का करेक्ट। ये वाला चीज एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स भी होता है, एफ डैश टी अपॉन एफ ऑफ टी, या फिर लॉग मोड, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। Resubstitute t by x raised to 6. So wherever there is t, put x raised to 6. Okay? और ये तो naturally 1 बन जाएगा. This will be 1. Green color का part तो 1 है. Derivative उसका. Derivative 1 बन जाएगा. और ऊपर जो black color का part है, वो t को 6, x raised to 6 डाल दो. चलेगा? अरे बाबा, इक्वेशन नंबर टू देखो ना, ऐसे क्या पूछ रहे हो? इक्वेशन नंबर टू में मैंने यहाँ पे वन डाल दिया और इसको माइनस वन लिया, आप ऐसे क्या पूछ रहे हो? मैंने इसको स्प्लिट किया ऐसे, ए और बी का वैल्यूज डाल दिया मैंने, स्प्लिट थोड़ी ना किया, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई किया। नहीं नहीं सी सी वन सेकेंड, अमय वेट, ये देखो कहाँ पे गया वो। हाँ चलो, मैं इसके आगे सॉल्व करके बताता हूँ आपको, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। वेट, डोंट डू दिस, बहुत सारे जन कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा बहुत। ये देखो, सबसे पहला ये वन रहेगा, बराबर है, ये वन रहेगा। ओके, सो कैन आई राइट वन अपॉन सिक्स लॉग टी माइनस लॉग टी प्लस वन, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? मॉडुलस लिखो न मत लिखो, लास्ट में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इट्स ओके। कैन आई राइट लॉग टी अपॉन टी प्लस वन, मॉडुलस लिखो नहीं तो मत लिखो, इट्स ओके। चलो, अंडरस्टूड दिस, log a माइनस log b इज log a अपॉन b, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b। री सब्स्टिट्यूट t by x raised to 6, सो I इक्वल टू 1 अपॉन 6 log x raised to 6 अपॉन एक्स रेस टू सिक्स प्लस वन। डन।
ये देखो लास्ट स्लाइड, ओके संस्कार यू आर आस्किंग अबाउट दिस। हाँ ये सब राइट है ना, दिस इज राइट, डोंट वरी। अभी हम लोग इसका प्रैक्टिस करने वाले हैं। We are going to practice this category now. Are we ready? इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन अपॉन एक्स, माइनस साइन बाहर जाएगा, माइनस वन अपॉन एक्स, सो माइनस लॉग मॉड एक्स। अरे यहाँ पे प्लस सी है तो यहाँ पे भी प्लस सी है, गो टू लास्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5.6, एक्सरसाइज 5.6। आर वी रेडी? ओके एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 7। कंपेयर इट विद द प्रीवियस प्रॉब्लम दैट वी सॉल्व्ड, कंपेयर इट विद द प्रीवियस प्रॉब्लम दैट वी सॉल्व्ड। ओके एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव क्या है, एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव क्या है? एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन, सो राइट डाउन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन, सो आई इज इक्वल टू एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन, एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन, एक्स एक्स रेज टू एन प्लस वन। अंडरस्टूड? समझा कि नहीं समझा? ये दोनों को कंबाइन करो, रफ वर्क
वन सेकेंड, तो कैन आई राइट ये दोनों को मिला के कैन आई राइट एक्स रेस टू एन। मैंने आपको जस्टिफिकेशन भी दे दी है, लॉज ऑफ इंडाइसेस। शुड आई गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप। ओके हेत, ये एक ही कैटेगरी का प्रॉब्लम्स है, उसको ऐसे ही याद रखो, मेरे पास उसके लिए कुछ आंसर नहीं है दूसरा। ओके बोलो, समझा गया? हैव यू अंडरस्टूड दिस? अभी ओवर स्मार्टनेस मत करो, एन और एन कैंसिल करने का ओवर स्मार्टनेस मत करो, वो सब कैंसिल होता है, लेकिन क्यों कर रहे हो? अगर कैंसिल करने का ये तो स्टार्टिंग में लिखा क्यों हम लोग ने, है कि नहीं? इफ वी हैड टू कैंसिल नाउ, व्हाई वी हैड रिटन इट इन द फर्स्ट प्लेस? ठीक है, इक्वेशन नंबर वन, ये जल्दी कॉपी करो। चलो ये हो गया क्या? ओके नाउ पुट एक्स रेज टू एन इक्वल टू टी, ये जो एक्स रेज टू एन है इसको टी लेता हूं मैं, टी डीवाईडी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन डीवाईडी एक्स ऑफ टी, एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। इक्वेशन नंबर ये रोमन वन में देखो और मुझे बोलो क्या क्लब करना है, व्हाट आर वी सपोज टू क्लब, व्हाट आर वी सपोज टू ग्रुप टुगेदर? एन एक्स रेज टू एन माइनस वन डी एक्स, तो यहां पर भी ये तीनों टर्म्स को क्लब करते हैं हम लोग, एन एक्स रेज टू एन माइनस वन डी एक्स इक्वल टू डी टी। इक्वल टू डी टी, समझा कि नहीं समझा? हेलो, हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? सानिया वो चीज आप घर पे ट्राई करके देखना, ओके फ्रॉम वन आई इज इक्वल टू व्हाट इज द ब्लू कलर्ड पार्ट? इक्वेशन नंबर फोर में जो ब्लू कलर का पार्ट क्या है? निखिल यू आर रॉन्ग, यस यस यू आर राइट नाउ, dt, perfect, the blue color part is dt, so can I write dt over here, can I write dt over here? बोलो
bt लिख दिया मैंने. So 1 upon n t t plus 1 बराबर है क्या? नीचे बराबर लिखा मैंने, have I written correctly in the denominator? What is the next step? One upon an outside, correct. Don't you find some similarity between the previous problem and this problem? Correct. So one upon n. I is equal to equation number 1, partial fraction type 1. Equation number 2. चालू करो, फिर तुम लोग को equation number 3 मिलेगा, बराबर. फिर ए और बी का वैल्यूज तो अपने को पता है ना, ए वन है बी माइनस वन. प्रीवियस प्रॉब्लम ही है ये, देखो आधा प्रॉब्लम तो प्रीवियस का प्रॉब्लम ही है. इसके बाद क्या करने का बोलो? पुट ए एंड बी इनटू, पुट ए एंड बी इनटू. कॉपी करो, सॉल्व करने के तो सॉल्व करो, ए और बी सॉल्व करके चाहिए तो निकाल के लिखो. ए इज वन, बी इज इक्वल टू माइनस वन. यू कैन प्रैक्टिस इट, आई एम गिविंग यू टू मिनट्स. इफ यू वांट यू कैन प्रैक्टिस इट. इक्वेशन नंबर टू के बाद में सब स्टेप्स तुम लोग लिखो, प्रैक्टिस करो. निकाला ए और बी निकाला, वन और माइनस वन आ रहे क्या? सो पुट ए एंड बी इन टू इक्वेशन नंबर टू में ए और बी का वैल्यूज डाल दो. सो वन अपॉन टी टी प्लस वन from 1 integration. यहाँ पे n मत, n डालने को भूलना मत, 1 upon n डालना भूलना मत. वन upon n दोनों साइड पे आएगा. लेफ्ट हैंड साइड इज i. चलो स्टार्ट, आगे खत्म करो तुम लोग प्रॉब्लम, आगे तुम लोग प्रैक्टिस करो. आई विल वेट फॉर यू.
अरे हमारे लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ए अपॉन बी ना, वो अप्लाई किया मैंने। ओके सो लॉग मॉड टी अपॉन टी प्लस वन, और पहले वन अपॉन एन आएगा, वन अपॉन एन लॉग मॉड टी अपॉन टी प्लस वन, फिर रिप्लेस टी बाय एक्स रेज टू एन, रिप्लेस टी बाय एक्स रेज टू एन। गाइज यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम? जीबी नगर डीएन नगर से तो कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, बैठे ही नहीं है लगता है। जीबी डीएन जेबी नगर डीएन नगर स्टूडेंट्स, आर यू अटेंडिंग? ओके इसके आगे का मेरे को सॉल्व करने का जरूरत है। यू वांट मी टू सॉल्व आफ्टर दिस? ओके क्वेश्चन नंबर सिक्स, सेम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक ही फॉर्मेट है, देखो एक ही फॉर्मेट है। एक ही फॉर्मेट है देखो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, बोलो घाटकोपर स्टूडेंट्स, बिक्रोली स्टूडेंट्स, टेल मी what we are supposed to multiply and divide by. 5x raised to 4, correct. 5x raised to 4. Because the derivative of x raised to 5 is 5x raised to 4. ओके फिर ये दोनों टर्म्स को टारगेट करो, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है? एक्स रेज टू फाइव, करेक्ट। एक्स रेज टू फोर इंटू एक्स इज एक्स रेज टू फाइव। तुम लोग को प्रैक्टिस करना है, यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस दिस, सो इफ यू डू इट सिंसियरली इसमें आपका ही फायदा होने वाला है। थोड़ा डिसिप्लिन रखो। So I 5x raised to 4, 5x raised to 5, equation number small 1, okay. इसके बाद का स्टेप तुम लोग को अभी बायट हो गया रहेगा, बोलो हेत खुद से लिखना क्या, बार बार लास्ट स्लाइड लिखो, खुद से लिखो, चलो यू नो ना हाउ टू सॉल्व। ओके पुट एक्स रेज टू फाइव इक्वल टू टी, ये समझा क्या तुम लोग को? ये पुट एक्स रेज टू फाइव इक्वल टू टी, इफ यू आर गिविंग मी 40 प्लस रिप्लाइज, 40 प्लस रिप्लाइज ऑफ द राइट आंसर, राइट या रॉन्ग जो भी आंसर है, मैं आज के टेस्ट का दो प्रॉब्लम्स आपको बता दूंगा। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स कंप्लीट दिस प्रॉब्लम, आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 40 रिप्लाइज, आज के टेस्ट का दो प्रॉब्लम्स बता दूंगा। बता दूंगा इसका मतलब ये नहीं कि यू नो आई एम डिस्क्लोजिंग द पेपर, उसका मतलब ये है कि पेपर के पहले एटलीस्ट यू विल गो थ्रू दोस प्रॉब्लम्स, सच काइंड ऑफ
type of problems. Chalo, I'm waiting for you 5 minutes. Pura solve karne ke, Sanskar solve it entirely. This is the third problem. तीसरा प्रॉब्लम हम लोग सेम कैटेगरी का कर रहे हैं. सो आई वांट यू टू जेन्युइनली प्रैक्टिस दिस. अच्छे से प्रैक्टिस करोगे दिमाग में बैठ जाएगा. क्या x raise to 4? बोला ना मैंने निखिल, x raise to 4 into x is x raise to 5. ये दोनों को मिला के x raise to 5 हो जाएगा ना. इसके लिए मैंने x raise to 5 लिखा यहाँ पे. न्यूमरेटर में 5x raised to 4 ही है ना, ऐसे कैसे आएगा रे? न्यूमरेटर तो यही रहेगा ना, इसमें कैसा x raised to 5 आएगा? यू सॉल्व एंटायर प्रॉब्लम एंड टेल मी द फाइनल आंसर. बीच में का स्टेप्स बताने का जरूरत नहीं है, जस्ट सॉल्व एंटायरली एंड टेल मी द फाइनल आंसर. जिसका हो गया रिप्लाई डाल के रिलैक्स करो. फाइनल आंसर में लॉक के बाद में मॉड डालो या ब्रैकेट डालो, इट इज ओके. एमएमआ रिप्लेस पी, पी को रिप्लेस करो. आपका आंसर राइट है, सिर्फ पी को रिप्लेस कर देना. रिप्लाइज काफी कम आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ओनली 20-25 स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग, बाकी सब लोग.
ओके सो वन प्रॉब्लम विच इज गोइंग टू अपीयर टुडे इज एपीसी एपीएस एमपीसी एमपीएस एमपीसी एमपीएस एपीसी एपीएस पता है ना मैंने सिखाया था ये वो आएगा आज का पेपर में दूसरा प्रॉब्लम जो आने वाला है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस का एमपीसी एमपीएस एपीसी एपीएस आएगा बोला ना मैंने एमपीसी एमपीएस एपीसी एपीएस आएगा और दूसरा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में अरे बाबा रिपीट द फर्स्ट का मतलब क्या है ये अभी इतना बार बोलूं मैं एमपीसी आर यू फाइंडिंग दिस समथिंग न्यू व्हिच आई एम सेइंग एमपीसी एमपीएस एपीसी एपीएस इतना तो कॉमन सेंस रखो कि उसके ऊपर एक ही प्रॉब्लम है ओके एंड द सेकंड प्रॉब्लम विच विल कम वो नंबर लाइन का प्रॉब्लम है ना डायग्राम से ऐसा आता है ऐसा डायग्राम आता है ऐसा डायग्राम आता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का फिर ऐसा आता है हाँ ये वाला प्रॉब्लम पूछने वाला हूँ मैं ये डायग्राम्स का प्रॉब्लम पूछेगा मैं अपना लेक्चर के बाद में जो टाइम मिलेगा उसमें करो प्रिपेयर ये आपको अच्छा लगने के लिए मैंने प्रॉब्लम्स नहीं बोला है इट्स नॉट अबाउट यू फीलिंग गुड इट इज अबाउट यू विल गेट सम टाइम टू रिवाइज एटलीस्ट जिसने नहीं किया वो इतना तो करके थोड़ा तो मार्क्स लाओ इसका आंसर है 1/5 log mod x raised to 5 plus 1 plus c ओके अभी ये तीन प्रॉब्लम्स करने के बाद में आप लोग मुझे बताओ वॉज दिस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम क्वाइट प्रेडिक्टिव मतलब क्वेश्चन देख के पता चल सकता है कि करने का क्या है ठीक है इसके लिए रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है वो अगर बराबर से रखोगे तो तुम लोग को अपने आप समझेगा कि प्रॉब्लम में करना क्या है ओके लेकिन अगर तुम लोग का पढ़ाई ट्रैक पे नहीं है देन इवन आई कैन नॉट हेल्प यू ओके 5.6 का क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 3 कल का लेक्चर याद करो डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर इज सेम डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर इज सेम कैसे लिखेंगे मेक न्यूमरेटर सेम एज डिनोमिनेटर राइट बराबर है क्या आगे क्या लिखूं चलो बोलो ये भी कल मैंने सिखाया था एकदम ले मैन के टर्म्स में सिखाया था अभी मेरे को राइट आंसर चाहिए प्लीज आगे क्या लिखो राउंड ब्रैकेट के आगे क्या लिखो -7 is wrong क्या बोला था मैंने दो ब्रैकेट डालने का बीच में माइनस साइन ऊपर का टर्म के -1 नीचे का टर्म के -6 कितना होता है +5 ठीक है स्प्लिट
इतना समझा क्या? ओके, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन डी एक्स ओके ये कैसे सॉल्व करने का? कैसे सॉल्व करने का? बोलो। वन अपॉन एक्स तो नहीं आएगा ना? वन अपॉन एक्स कैसा? इफ इफ यू आर कंसिडरिंग दिस एज एक्स, ये तो लीनियर अलजेब्रिक नहीं है, तो वन अपॉन एक्स कैसे आएगा? ये सेमिमा, आपने अभी तक सबसे परफेक्ट आंसर दिया है, पहले फैक्टराइज करने का और बाद में पीएफ करने का। करेक्ट, एंड मेनी स्टूडेंट्स आल्सो हैव रिप्लाइड द सेम थिंग, पहले फैक्टराइज करने का। ओके, तो फैक्टराइजेशन अगर नहीं आता है तो राम राम। ओके, आई हैव वन मोर मेथड फॉर दिस, वो किसी ने भी बोला नहीं है, आई एम सरप्राइज्ड। अरे डिनोमिनेटर कभी स्प्लिट नहीं होते हर चीज का। आई कैन नॉट राइट वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन सिक्स, हाउ कैन आई डू दैट? तो मेनी स्टूडेंट्स आर नाउ रिप्लाइंग एंड दे आर रिप्लाइंग विद द करेक्ट आंसर, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, क्योंकि ऊपर कॉन्स्टेंट है वन, देखो ऊपर वन है इसके लिए, सो हाफ इनटू वन स्क्वायर विच इज हाफ स्क्वायर। ये समझा गया तुम लोग को? कॉपी करो, चलो कॉपी करो। किधर लिखो हाफ स्क्वायर? वेयर टू इनकॉर्पोरेट दिस हाफ स्क्वायर? माइनस सिक्स के पहले और माइनस सिक्स के बाद में? करेक्ट, फर्स्ट थ्री टर्म्स लास्ट टू टर्म्स, एक्स प्लस हाफ दी होल स्क्वायर। आई होप यू रिमेम्बर दिस। माइनस सिक्स माइनस वन बाय फोर, माइनस 25/4 आ रहा है मुझे, आप लोग को भी आ रहा है क्या? कॉपी करो। माइनस सिक्स माइनस साइन वन बाय टू दी होल स्क्वायर इज वन बाय फोर,
सो माइनस 24 माइनस 1/4 सो माइनस 25/4 ओके क्लियर है क्या? एक्स की जगह पे एक्स प्लस हाफ इज एक्स प्लस हाफ लीनियर अलजेब्रिक इज एक्स प्लस हाफ लीनियर अलजेब्रिक यस एक्स की जगह पे एक्स प्लस हाफ डालो, ए के जगह पे 5/2 डालो और नीचे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस हाफ कर दो. चलो ओके आगे बढ़ता हूँ मैं. एक्स प्लस 5 वन अपॉन 2a लॉग मॉड एक्स प्लस हाफ माइनस 5 एक्स प्लस हाफ प्लस 5 डिवाइड एक्स ऑफ एक्स प्लस हाफ. फाइव फाइव टू टू कैंसल ये वाला पार्ट 2 1 बन जाएगा. लॉग मोड हाफ माइनस 5/2 माइनस 4/2 तो एक्स माइनस 2 नीचे आएगा और नीचे x प्लस 3 आएगा. हैव यू अंडरस्टूड दिस? समझा सब लोग को ये?
जिसने टू लिए टू को कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो ना वो मॉड्यूलस के अंदर, सेम आंसर नहीं आएगा क्या? जिसको ऐसा आया है टू कॉमन लो मॉड्यूलस के अंदर और टू टू कैंसिल करो ऊपर नीचे, कॉमन सेंस अप्लाई करो थोड़ा। डन। Was this problem clear? सिर्फ स्टार्टिंग का स्टेप थोड़ा सा आपको संभाल के करना पड़ेगा। देखो जस्ट यू टेक 10 सेकेंड्स टू द प्रॉब्लम, एक बार देख लो, देन गो बैक टू 5.2। फाइव पॉइंट टू में चले जाओ वापस। गो टू एक्सरसाइज 5.2। फाइव पॉइंट टू का फोर्थ प्रॉब्लम, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4। वन प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स डीएक्स। ओके ये अभी सब चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। क्लियर है? इज दिस क्लियर? ओके ये यहाँ पे जाएगा।
समझा गया। समझा गया आप लोग को? इसको ऊपर भेजो। क्लियर है? देर आर नो रिप्लाईज। क्या हो गया? संडे का लेक्चर बराबर से अटेंड करने का। जो आपके दोस्त लोग अटेंड नहीं कर रहे उनको भी बोल दो। संडे लेक्चर्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। दिस वी आर डूइंग फॉर यू नो रनिंग थ्रू द सिलेबस। ऊपर मल्टीप्लाई करो e raise to x को 1 plus x के साथ मल्टीप्लाई करो दोनों टर्म के साथ। ओके ओके अभी यहाँ पे आके आई एम स्टक। यहाँ पे आके मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है वो तो अटक जाएगा यहाँ पे। ओके मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर उसका डेरिवेटिव लेके देखता हूँ। आई एम नॉट वेरी श्योर कि उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर है क्या, लेकिन लेके देखता हूँ एक बार। सो एफ ऑफ एक्स इफ इट इज द डिनोमिनेटर, इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। ओके इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा एक्स ई रेज टू एक्स का? हाउ टू सॉल्व द डेरिवेटिव ऑफ दिस? प्रोडक्ट रूल, ई रेज टू एक्स डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स डी वाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स प्लस इसका डेरिवेटिव जीरो। सो ई रेज टू एक्स इंटू वन प्लस एक्स ई रेज टू एक्स विच इज ई रेज टू एक्स प्लस एक्स ई रेज टू एक्स। समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? तो ऊपर वाला टर्म के एफ डैश एक्स और नीचे वाला टर्म के एफ ऑफ एक्स। व्हाट इज एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स? लॉग मॉड एक्स। लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स, सॉरी लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स। So I is equal to property apply किया अपने और f of x का value कितना है? Have you understood this? देखो previous slide दिखा तो देखो, गो थ्रू द प्रॉब्लम। जिसको समझा है वापिस एक बार प्रॉब्लम के ऊपर गो थ्रू करो। चलो
नेक्स्ट स्लाइड। इसमें डिनोमिनेटर को टी भी ले सकते हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हो, पुट एक्स ई रेस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू टी वैसे भी कर सकते हो। डन हो गया क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व करके? एफ ऑफ एक्स देखो ना क्या संस्कार एक्स ई रेस टू एक्स प्लस वन, मैंने वहां पे यही लिखा है ना एक्स ई रेस टू एक्स प्लस वन। ठीक है नाइन्थ प्रॉब्लम, नाइन्थ प्रॉब्लम थोड़ा सा चैलेंजिंग है। ओके ये बहुत ही चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, इट इज चैलेंजिंग टुवर्ड्स द बिगिनिंग। ओके सो टेक रूट एक्स कॉमन, नीचे डिनोमिनेटर में रूट एक्स कॉमन लो, कैन आई राइट इन दिस वे? ये मार्क करो, ये आपको याद रख के जाना पड़ेगा, मेरे पास कोई रीजन नहीं है कि ऐसा ही करना है, बट देन यू हैव टू रिमेंबर दिस एंड गो इनिशियल फ्यू स्टेप्स। आई कैंट गिव सम बेटर कमेंट्स, मुझे आपको ऐसा ही बताना पड़ेगा। समझा क्या आपको आपको ये क्यों किया वो जाने दो, लेकिन मैथमेटिकली करेक्ट हो क्या? मैं रूट एक्स को कॉमन लिया, मैंने रूट एक्स को कॉमन लिया तो यहाँ पे ये वन बन जाता है। अभी एक्स के पास तो रूट एक्स है नहीं, ठीक है। वन सेकेंड जस्ट कैंसिल दिस स्टेप, ये स्टेप को कैंसिल करो, अपने पास और एक मेथड है वो कर लेते हैं। जस्ट कैंसिल दिस स्टेप, सॉरी। ओके कैन आई राइट एक्स एज रूट एक्स इंटू रूट एक्स? ये वाला जो एक्स को मैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकता हूँ, ओके। अभी बोलो दोनों में क्या कॉमन है? नीचे दोनों में क्या कॉमन है? नीचे रूट एक्स कॉमन है। चलो कॉपी करो ये वाला स्टेप, नहीं रे इसमें तो रूट है, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आएगा। ओके सो आई इज इक्वल टू, क्लियर है क्या इतना?
इसमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आएगा, ये लीनियर फैक्टर थोड़ी है, एक्स का पावर वन नहीं हाफ है, एमिमा एक्स का पावर है ना हाफ है वन नहीं है, तो इट इज नॉट अ लीनियर फैक्टर एट ऑल। ओके तो इसको मैं आगे जाके ऐसे लिखता हूँ, इक्वेशन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है, पुट ये वन को भी साथ में ले लेते, वन प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू टी, पुट वन प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू टी, क्योंकि वो वन तो जीरो बनने वाला है, वन तो जीरो बनने वाला है, ठीक है आगे बढ़ू क्या मैं, शुड आई, ओके सो डी वाई डी एक्स ऑफ वन प्लस रूट एक्स डी वाई डी एक्स ऑफ टी, सो वन अपॉन टू रूट एक्स डी टी बाई डी एक्स। ओके अब इक्वेशन नंबर वन को देखो एंड टेल मी कौन सा टर्म साथ में रहेगा, वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स साथ में रहेंगे, तो वन अपॉन टू वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, व्हाट आर वी गोइंग टू राइट दिस एज, वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स, वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स विल बी टू डी टी, समझा क्या, ठीक है। क्लियर है क्या, इज दिस क्लियर, फ्रॉम वन इक्वेशन नंबर वन को देखो इंटीग्रेशन एंड में तो टू डी टी आ जाएगा, और यहाँ पे वन अपॉन ये फट तो टी है ना, दिस इज टी, ठीक है समझा क्या, ये आगे बढ़ू, सानिया एक प्रॉब्लम का मल्टीपल मेथड्स रहता है, सो यू डोंट आस्क मी अबाउट फाइव डिफरेंट मेथड्स, अगर आपको ये मेथड नहीं समझ में आ रहा है इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच यू, रिसर्च मत करो, करो लेकिन बहुत ज्यादा मत करो, That is my comment.
बाकी का भी स्टूडेंट्स है ना, दे आर फॉलोइंग माई इंस्ट्रक्शंस ना, ऐसा कोई दूसरा स्टूडेंट है ही नहीं जो यू नो दे गेट इनटू डिफरेंट जोन्स. हाँ तो रहने दो ना बस ना. टू लॉग मॉड टी प्लस सी है कि नहीं, टू लॉग मॉड टी बराबर है कि नहीं, वन अपॉन टी का आंसर क्या है, लॉग मॉड टी. टी का वैल्यू क्या है, वन प्लस रूट एक्स. क्लियर है क्या? शुड वी स्टॉप द लेक्चर ओवर हियर? सानिया जी, पीएफ टाइप वन का नाम क्या है? पीएफ टाइप वन का नाम क्या है? डिस्टिंग्विश्ड लीनियर फैक्टर, तो लीनियर के लिए रहेगा ना वो. और पीएफ टाइप टू क्या है? रिपीटेड लीनियर फैक्टर, रिपीटेड लीनियर फैक्टर, तो लीनियर फैक्टर्स तो रहेगा ही ना. यू आर फ्रॉम मुलुंड ब्रांच, ओके, तो आप एडमिन को पूछते हो क्या कि यहाँ पे कॉमर्स भी चलता है क्या? इट इज अंडरस्टूड. नाम में ही लिखा है रिपीटेड लीनियर फैक्टर, डिस्टिंग्विश्ड लीनियर फैक्टर, तो लीनियर का ही मैंने आपको सिखाया है ना. चलो नो पॉइंट इन ट्रैकिंग दिस. अदर्स हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके चलो बाय गाइस, सो राइट योर टेस्ट वेरी वेल, ऑल द बेस्ट, बाय. एक प्रॉब्लम और बता देता हूँ बिफोर यू वाइंड अप. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल आने वाला है, ठीक है, बाय. कल वाला नहीं निखिल, दैट आई टीच यू, डोंट वरी, आई टीच एवरीवन दैट, ओके. वो दो चार प्रॉब्लम रह गए मेरा वो चैप्टर से, अभी थोड़ा इंटीग्रेशन खत्म कर देता हूँ.